Redbrick Media High quality CDs, DVDs, lectures, kubba, conferences, and Quran recitations. All revenue generated supports our dawah work, supported by visiting our store. You can now purchase directly from our site www.redbrickmedia.co.ukuma <laughs> <Take> Rabbil <it. laughs>

شيطان شرارة يا جي ما خلق ما, ما خلق ما كمانه؟ نني ما خلق ما جي وات يا جو جي خلق جي نوانسا جي خلق اس نے پیدا کیا मिन शर्री मा खलक मिन का माना से शर का माना शरारत या बुराई या तकलीफ़ माँ जो खल उसने पैदा किया जो कुछ उसने पैदा किया है उसकी शरारत से ये विन शर्री गासी खालसा मिन शर्री वाह का माना मिन से शर शरारत गासीकिन अंधेरी रात सख्त अंधेरी रात इदा, इदा वकब, वो जाए। हाँ इदा का माना जब व वो छा जाए जी वमिन शर्रिन नफ्फा था थे शोको साहब वमिन शर्रिन नफ्फा था जी नफ्फा था का माना फूंके मारने वालियाँ ठीक है फूंके मारने वालियों की शरारत से फिल उकद मुनीर फी Yes, في. What does في mean? In. Theعقد. Nuts. ठीक है तो उकद ये इसका बताया था कि ये जमा है किसकी? नहीं आकड़ की. की तो नहीं मैंने तो नहीं बताया आकड़ के। <laughs> <laughs> जी? जी। नहीं जी। जी। इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। <laughs> उ़दातन की बताया था उकद उकद कुरान मजीद में ये लफत भी इस्तेमाल हुआ है सुरबार में कि वो तलाक़ के जो मसाइल हैं उनमें है, उन है कि जब आदमी अपनी बीवी को तलाक़ दे तो हक महर जो उसने दिया है वो ज़ाहिर है उसी का है वो वापस उससे नहीं ले सकता ठीक है अफ़ून अवयाफ़ोल बिया दि अक़दत निकाह सिवाय इसके कि वो औरतें ख़ुद माफ़ कर दें यानी हक महर वापस कर दें या जो अभी तक ख़ामन ने पे नहीं किया वो कहें कि हमने माफ़ किया हम नहीं लेना चाहती या वो शख़्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है मतलब है कि जो निकाह कर सकता है या करवा सकता है यानी उस औरत का वली जी वमिन शर्री हा से हसद जी मिन का माना और, और मिन आ, जी शर शरारत बुराई हासिदिन दिन हासिदिन का माना लफ्ज़ वर्ड हासिद हाँ हसद करने वाला जी, जी। हसद करने वाले की शरारत से या उसकी बुराई से इदा जब हसद वो हसद करे जी ठीक है इसके साथ जो हमने इसका चले वो तफसीर में ज़्यादा वक्त लगा था जो तजवीद के हमने रूल किए थे जी इदगाम वट इज इदगाम तो, मीन I mean, uh, 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 मर्जिंग ना. तो किसको किस में मर्ज करते हैं कैसे करते नून हैं कौन कौन से छह ठीक wow, है यार दोस्मेंदगाम ठीक है तो इदगाम की दो किस्में हैं। ठीक है। तो पहले को क्या कहते हैं है no, no. दोनों का डिफरेंट नेम है ईदगाम

जी खालिद साहब यहाँ फो, फोल्डर नहीं नजर आ रहा इदगाम बिदून गुन्ना कब होता है और कहाँ होता है, है। इसमें स्नो काफ़ी हुई है तो वो लगता है वो, हर चीज़ फ्रीज हो गई है मेमोरी भी फ्रीज हो गई है जी नुवान साहब नून साकिन के बाद क्या आ जाए हाँ रा, रा, या लाम रा या लाम ये दो हर्फ जो रा आए या लाम आए नून साकिन के बाद या किसके बाद तनवीन के बाद तो वहाँ इदगाम बदून गुन्ना होता है मतलब ये है कि वहाँ गुन्ना नहीं किया जाता तो कैसे फिर उसको पढ़ते कैसे हैं फिर उसको मिला के पढ़ा जाएगा और नून का क्या करेंगे नून की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती नून को बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता तो मतलब यह है कि नून से पहले के हरफ को लाम या रा के साथ मिला के पढ़ते हैं डायरेक्ट नून से पहले वाला जो भी हरफ है उसको नून को छोड़ देंगे और नून से पहले वाले हरफ को डायरेक्ट लाम या रा के साथ मिला के पढ़ेंगे इसको कहते हैं ईदगाम बिदून गन्ना और दूसरा होता है ईदगाम बिल गन्ना जी मानसा है जी या मीम नून जी तो आपने के साथ जी तो कैसे उसका तरीका क्या है, है नून, नून, इट् सेल्फ नून को पढ़ा जाता है या नहीं नून नहीं पढ़ा जाता सिर्फ गुन्ना की आवाज़ आती है कोई मिसाल इसकी तो बहुत सारी यहाँ तो बहुत सारी हैं तो बहुत सारी, तो सारी तो से एक मैंने पूछी है जी शौकुर साहब यौँ वाजिफा यो इदिन, इदिन यहाँ तनवीन है और उसके बाद वाव आई है तो यहाँ यौम इदिन जो आखिर में नून की आवाज़ आती है ये नहीं आएगी तो इसको आगे वाव के साथ मिलाएंगे तो सिर्फ़ गुन्ना होगा यौम ई वाजिफा जी चलिए इसको ईदगाम बिलगुना कहते हैं साथ आसान ही वैसे और दूसरा भी हमने वो हरूफ जो थे उनके नाम वो तो अब तो पूरे हो चुके हैं जी वो वो जो लास्ट टाइम पिछले सबक में वो वाले बताए यार सबसे पहले वाले तो वो सुना सुना के याद हो गए मेरा ख्याल सबको चले जो हरूफ याद है वो हरूफ बता दे पांच है चलिए और और, और और वो ही छोड़ ही दे उसको <laughs> वरना वो तो ढूंढने बैठेंगे तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मिला पांचवा <laughs> है ही चार जी इन, 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 इन इनका नाम क्या है जी मुस्तफ़ा भाई फा बा मीम वाओ शफाविया शफाविया क्यों इनको कहते हैं है शफा का माना ये हरूफ गी जी यानी ये हरूफ हैं जो लिप्स से अदा होते हैं फा बा, मी, वाओ। इसको अदा करके देखें। جي خالص صاحب حروف لثویہ کون صاد نہیں نہیں یہ تو ظلم ثا ذال ضا ثا ذال حروف اصلیہ نمان بھائی ज़ाल वो तो अभी लिथविया में आ गया वो तो किसी और को पकड़े यहाँ लाए इनके साथ थर्ड वन जा रहा के बाद जो ज़ा है जी इमरान भाई हरुफ़िया देल देल और जी देखिये असल में तो नाम याद करने वाले तो वो आसान है तो नाम कोई भाई बता सकता है सब नाम जो हमने पढ़े हैं अभी तक चले चले शुरू के पाँच बताएँ फिर बाकी शायद आपकी कोई हेल्प कर दे हल्किया ठीक है الحرفان اللغويه الحرفان اللغيان ٹھیک ہے الشجرية الشجرية شجريه حروف حروف النطائيه نطائيه سے پہلے نہیں ہے کوئی حروف ال ذلكی آه ذلكی ذلقيه ٹھیک النطائيه کے पाँच तो पाँच नहीं पाँच तो हो गए आगे जी शौक साहब बाकी नतिया के बाद असली है ठीक है इससे पहले एक है ओह वो, वो तो लहविया तो हो गए अलिथविया अलिथविया दिन असलिया दिन शफविया शफ शफ जी वैसे मेरा ख्याल इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए जो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो तमाम हरूफ इसी में आ जाते हैं तो ये कोशिश करें इनके नाम याद होंगे ये नाम इसीलिए हैं कि नाम याद होंगे तो वो हरफों का फ़ौर आपको जहन में आ जाएगा किस कैटेगरी में आता है क्योंकि आगे जो हमने तफसील पढ़नी है उसमें ऐसे ही है कि तीन हरफ इकट्ठे हैं उनका एक ही मखरज है उनको अदा करने का एक ही तरीक़ा है जैसे साद सीन जा ठीक है फ़ा बा मीम वाओ, इस तरह जीम शीन या तो ये इनको देखें टोटल ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन लेटर्स हैं तो उनको सिर्फ़ आठ बनाया गया हो तो उनको ए, कम किया गया है समझने के लिए तो आठ भी अगर याद ना हो तो फिर इस पे ज़्यादा अरबी ज़बान तो मुखसर नहीं हो सकती <laughs> चलें ठीक है जी हम अब करते हैं पहले तजवीद का और उसके बाद फिर इन शाह सूरत का तर्जुमा और तफसीर फिर उसके बाद करेंगे इनशा ग्रामर जो हमारी पिछले हफ़्ते की रहती है वो पिछले हफ़्ते का सुनाने वाला भी रहता है ग्रामर का उससे पिछले जी इसम जी चले वो बाद में इन सुनते। जी हमने जो अब तक पढ़ा है नून सान और तनवीन इसके बाद नाकििन या तनवीन ठीक है इसके बाद आ जाए कोई हर्फ हल्की तो क्या होता है नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ हल्की आए तो क्या किया जाता है इजहार ठीक है इजहार हरूफ हल्की कितने हैं अहमद नहीं हरूफ हलकिया जी जी हरूफ हल्की हल्किया है छः हैं ठीक है तो ये पहला रूल हुआ नून शाकिन के बाद नून शाकिन या तनवीन के बाद हरफ हल्की को आए ठीक है तो वहाँ इजहार होता है हरफ़ हरूफ हल्किया छः हैं उसके बाद दूसरा रूल है इदगाम का ठीक है और वो क्या है के नून साकििन या तनवीन इसके बाद आए यरमलून ठीक है यानी इन छः हरफों में से कोई आए तो फिर क्या होता है इदगाम छः हरूफ़ हो गए हल्किया और छः हो गए यरमलून के कितने हो गए टोटल बारह तो हमने जो पढ़े हैं कि अरबी ज़ुबान के, के अल्फाबेट्स कितने हैं टोटल ट्वेंटी नाइन तो 29 में से 12 गए पीछे कितने बाकी हैं <laughs> इतना लंबा चौड़ा तो नहीं है ये तो इतना तो हर किसी को आता है जी सत्रह जी सेवनटीन बाकी हैं ठीक है अब सेवनटीन में हम एक और लेते हैं पहले तीसरे नंबर पे वो ये है कि नून साकिन या तनवीन इसके बाद आए बान साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आए तो वहाँ किया जाता है इकलाब उसको कहते हैं इकलाब वो सबसे पहले किया है वो आपने याद नहीं किया इसलिए किसी? नहीं वो जो सबसे पहला जो था वो जो सबक नंबर तीन देखें ये वाला अच्छा लिखा नहीं, नहीं।, नहीं। शायद मैं इब्तद तो इसी से की थी हमने शायद लिखा नहीं होगा अल्लाह आलम लेकिन वो रूल तो हो गया है वो तो पहले बताया था ना कि नून या मीम के ऊपर अगर तशदीद हो तो हमेशा गुना होगा और अगर साकििन हो तो फिर कभी गुना होता है कभी नहीं होता तो अब हम वो तफसल देख रहे हैं कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता जी जी बिल्कुल नून साकिन या तनवीन के बाद बा हो तो वहाँ होता है इकलाब इलाब कमाना होता है तब्दील करना चेंज करना ठीक है तो चेंज कैसे करते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ नून की बजाय मीम पड़ा जाता है नून की वहाँ आवाज़ नहीं आती वहाँ मीम की आवाज़ आती जैसे मसला है न और उसके बाद है बादु ठीक है मिन बादु अब नून साकिन के बाद क्या है बा यहाँ क्या पढ़ेंगे नून को हमने मीम में तब्दील कर देना इसलिए कुरान मजीद में छोटी सी मीम लिखी होती है इस छोटी मीम का मतलब यह होता है कि यहां नून मीम से चेंज हो गया है यहाँ नून नहीं पढ़ेंगे तो अब क्या पढ़ेंगे इस मीम को इस मीम के साथ मिला के पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे यहाँ गुन्ना होगा ठीक है तो कैसे पढ़ा जाएगा मीम बादू मीम बादू. इसको इकलाब कहते हैं ठीक है थीके? इसी तरह तनवीन में भी है जब इसके बाद तनवीन आ जाए फिर भी वहाँ गुन्ना किया जाता है जैसे समी ओन और इसके बाद है बसर उन ठीक है तो आइन के ऊपर क्या है तनवीन और उस तनवीन के बाद क्या आया है बा तो यहाँ समी ऊन के आखिर में जो नून की आवाज़ आती है ये नहीं आएगी बल्कि यहाँ छोटा सा मीम लिखा होगा ये अलामत है कि यहाँ इस तनवीन को हमने मीम के साथ तब्दील कर दिया है पढ़ेंगे समी ओम बसर उनना करके म बसीर जी समझ आ गई बात में भी होता है। सब में भी होता है सब में होता है जी ये अलामत होती है इस बात की कि यहाँ नून मीम से तब्दील हो गया है ठीक है तो यहाँ मीम पड़ा जाएगा नून नहीं पड़ा जाएगा और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, ठीक है तो समी ओम और जैसे पहले लिखा था मीम बा तो इसको कहते हैं इखलाब तो अब ये एक और हरफ चला गया जिसके बारे में हमने जान लिया है ठीक है छः हरूफ हल्की हो गए छः हरूफ यरमलून और एक बा छः और छः बारह और एक तेरह थर्टीन हो गए बाकी कितने बाकी हैं सिक्सटीन ठीक है अब सिक्सटीन जो हैं उनमें, चलिए इसको एक मरतबा ख़त्म करते हैं जो सिक्सटीन वाकई हैं उनमें एक सबसे पहले अल्फाबेट्स जो है उनमें सबसे पहला हरफ कौन सा है अलिफ सबसे पहला अलिफ हमजा तो आखिर में आता है। अलिफ तो अलिफ जो है ये इससे पहले हमेशा ज़बर होती है इससे पहले हमेशा फ़तेह होता है इससे पहले साकिन आ ही नहीं सकता ठीक है ना यानी अलिफ से पहले साकिन हरफ कोई हो ही नहीं सकता ना इससे पहले पेश होती है ना इससे पहले ज़बर होती जेर होती है ना इससे पहले जो है वो साकिन होता है इससे पहले अगर हो सकता है तो सिर्फ फतहा ठीक है इसलिए ये तो वैसे ही उस सिक्सटीन में से एक ये भी निकल गया बाकी पीछे कितने रह गए फिफ्टीन पंद्रह बाकी जो पंद्रह हरूफ हैं उन हरूफ का नाम है अख् हरूफुल जो बाकी पंद्रह हरूफ हैं अब आपको याद रहने चाहिए बाकी पंद्रह कौन से हैं टोटल ट्वेंटी नाइन में से पहले एक कलिफ़ गया क्योंकि उससे पहले नून साकिन या तनवीन उससे पहले हो ही नहीं सकता और उसके बाद पीछे हैं ट्वेंटी एट उनमें से छः चले गए हरूफ़ हल्किया छः चले गए यरमलून एक चला गया बा तेरह उसमें से ट्वेंटी एट में से तेरह गए तो बाकी पीछे कितने रह गए पंद्रह तो पंद्रह जो हरूफ हैं वो हैं हरूफ अलखा अब उसका तरीका क्या है कि आप शुरू से जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको देखें तो हम आ, आप उनको आसानी से पहचान लेंगे कौन कौन से हरूफ़ हैं मसलन अलिफ वो तो चला गया निकल गया बा उसका हमने रूल पढ़ लिया उसके बाद क्या है ता तो पहला हर्फ हरूफ अफा में है ता उसके बाद तो सा।, सा सा ना हरूफ हल्किया में है ना यरमलून में है ना इखलाब वाला हर्फ है ता सा उसके बाद तो सा के बाद कौन सा हर्फ है न नहीं जीम पहले आता है जीम जी जीम उसके बाद हा वो हरूफ हल्किया में गया खा वो भी हरूफ हल्किया में गया उसके बाद क्या है तो नहीं ये इन हरूफ में जो अल्फाबेट्स हैं अरबी में जो अल्फाबेट्स हैं उनको देखें जी उसके बाद है दाल और फिर उसके बाद दाल फिर उसके बाद रात यर मलून में चला गया ठीक है उसके बाद जा ठीक है उसके बाद सीन शीन उसके बाद फिर बाद, फिर फिर वो आइन तो हल्किया में गया उसके बाद आ, भी हल्किया में गया फिर उसके बाद फा फिर काफ, उसके बाद ना ये पढ़ो तो सही जी फिर उसके नहीं? बाद है लाम वो गया यरमलून में फिर लाम के बाद आता है मीम वो भी यरमलून में फिर आ गया नून फिर भी वो भी यरमलून में ठीक है फिर उसके बाद वाव वो भी यरमलून में फिर उसके बाद हा वो भी यरमलून में फिर हमज़ा हा हरूफ हलकिया में हमज़ा वो भी हरूफ हलकिया में और या यरमलून में तो ये बाकी हैं ठीक है तो ये पंद्रह हैं गिल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह ठीक है तो ये पंद्रह जो हरूफ हैं इनको कहा है कहा जाता है हरूफाफ़्फ़ा अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि नून साकिन के बाद नून साकिन या तनवीन नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरफों में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ गुन्ना किया जाता है वहाँ गुन्ना होता है लाजमन ठीक है तो इन हर्फों में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ गुन्ना होता है ठीक है नून के बाद ता आ जाए इसकी मिसाल जैसे अंता ठीक है जैसे ये है अंता नून साकिन के बाद क्या है ता तो यहां क्या करेंगे गन्ना कैसे पड़ेंगे ंता अभी हमने सूरत पढ़ी है सूर फलकूदिल फल आगे मे शर्र न सान के बाद क्या है शीन, शीन। ये है ठीक है तो यहाँ गुना करेंगे मा खलक। इदा इदा हसद ठीक है तो ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद इन में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ गुन्ना किया जाता है इसको कहते हैं इस गुन्ने को कहते हैं इखफा इखफा का माना इजहार के ऑपोजिट है इजहार का माना खोलना ज़ाहिर करना और इखफा का माना छुपाना हाइड करना ठीक है तो चूंकि इसमें जब इनको पढ़ते हैं तो नाक में आवाज़ को छुपाते हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है शरूफ अफफ़ा जी अब ये याद रहने चाहिए आसान जी ने, ने अगर करते जी जी तो तो नहीं आवाज़ छुपाया ना नून गुन्ना का मतलब है कि नून को भी पढ़ा है और साथ नून की आवाज़ को छुपाया जैसे जैसे इजहार में तो है नून पढ़ा जाता है जैसे हा से दिन ईदा हा से दिन ईदा वहाँ नून पढ़ा है लेकिन फौरन आवाज़ को बाहर निकाल दिया लेकिन इसमें मिन आवाज़ को थोड़ी देर छुपाया है मिन शर्री मिन अगर पढ़े मिन शर्री तो फिर आवाज़ को हमने छुपाया नहीं है फिर ज़ाहिर कर दिया है लेकिन इसमें आवाज़ को छुपाया है मिन शर्री अंता ठीक है तो ये नून साकिन के जितने रूल हैं वो सारे कंप्लीट हो गए अब ठीक है क्योंकि अब इसके बाद कोई हर्फ बाकी नहीं है नून साकिन या तनवीन तो सबसे पहले इब्तिदा में हमने जो रूल बताया था कि नून के ऊपर या मीम के ऊपर अगर तशदीद हो तो हमेशा गुन्ना होगा और अगर नून के ऊपर सुकून हो यानी नून साकिन हो या तनवीन हो तो फिर कभी गुन्ना करते हैं कभी नहीं करते अब हमने तफसील पढ़ ली कहा नहीं करते सबसे पहली बात जब हरूफ हल्क़िया नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद आए तो गुन्ना नहीं करते इस गुना ना करने का नाम क्या है इजहार फिर दूसरा रूल है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आएँ तो वहाँ दो हर्फ ऐसे हैं कि जिनमें गुन्ना नहीं करते लाम और रा रा और लाम ये दोनों हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद ये आए तो फिर वहाँ ईदगाम करते हैं ईदगाम का मतलब क्या है नून भी ख़त्म हो जाता है इजहार में नून पड़ा जाता है लेकिन गुन्ना नहीं होता इदगाम में नून भी नहीं पड़ा जाता ठीक है और गुन्ना भी नहीं होता इदग़ाम बिदून गुन्ना में और दूसरा ईदगाम बिल बाकी जो चार हर्फ हैं या वाव मीम और नून वहाँ गुन्ना करते हैं वहाँ नून को नहीं पढ़ते और इखलाब नून साकिन या तनवीन के बाद बा है, तो फिर क्या करते हैं नून को मीम में तब्दील करके गुन्ना करते हैं और बाकी ये हरफ बनते हैं कि जिनमें दरअसल नून भी पढ़ा जाता है और गुन्ना भी होता है इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है इलालाब में, में नून नहीं पढ़ा जाता गुन्ना होता है ईदग़ाम बिल में नून नहीं पढ़ा जाता लेकिन गुन्ना होता है इजहार में नून जाहिर होता है गुन्ना नहीं किया जाता वहाँ नून पड़ा जाता है लेकिन गुन्ना नहीं होता और इदगाम बिदून गुन्ना में क्या होता है कि ना नून पड़ा जाता है ना गुन्ना होता है वहाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है तो ये पाँच ये पंद्रह हरूफ हैं हरूफुल्खफ़ा के नून साकन या तनवीन के बाद ये आएँ तो वहाँ हम गुन्ना करते हैं यानी नाक में आवाज़ को छुपाते हैं जी ठीक है क्लियर दोनों में, <अगरागा> में गुन्ना, जी 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 बिल्कुल दोनों में गुननाक <अगरा> तो <एकफाक> मतलब <अगरा> <इख़़ागा> तो 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 में ना छुपाना हाइड करना कैसे नून को छुपाते हैं मीन थोड़ी देर नून को छुपाया ना नाक में वही यही गुन है ना इस गुन्ने का एक स्पेशल नाम है गुन्ना ही है जी जी यही गुन्ना है इस गुन्ने इस गुन्ने का नाम ही इख़फ़ा है ठीक है ना जैसे अब्दुल्ला एक इंसान है ना तो आप ये नहीं कह सकते ये ये अब्दुल्ला इंसान तो नहीं है इंसान है और उस इस इंसान का नाम अब्दुल्ला है ठीक है ना तो गुन्ना एक जनरल नाम है ठीक है तो उसकी एक किस्म है ये अगफा जी ये आपने तो में नी नीव 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 जी फर्क है इसमें लेकिन इसलिए वो हम फर, वो फ़र्क अफफा की तीन किस्में हैं की आगे तीन किस्में बनती इख्वा इख्वा अदना और अकफा मुतवसत ठीक है वो ना वो इतनी तफसील जो है निका नहीं का मतलब मर्ज करना होता है इसको उसमें दाखिल करना ठीक है ना इंतजाम करना जी एक मरतबा इसको देख लिया अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो नून को मीम के साथ तब्दील करके गुना करके पढ़ते हैं जैसे मम ब़िला ठीक है और समी उम बसीर इसको इकलाब कहते हैं अगर नून नाकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकियाफ़ यरमलून और बा के सिवा कोई और हरफ आए तो अख्फ़ा यानी गुना करके पढ़ते हैं हरूफुल्कफ़ा पंद्रह हैं उनकी तफसी नीचे लिस्ट है सारी ता जैसे इसकी मिसाल है अंता और जन्ना तरी ते ता के नीचे तनवीन है और उसके बाद ता है मिन और क़ोलाकी मन जा रिया मंद من ذكر سراعا ذلك كنز غلاما زكيا ينسلون قولا سديدا من شهد غفور شكور منصورا صفا صفا منضود عذابا ضعفا ينطقون صعيدا طيبا ينظر ظلا ظليلا ينفق سبلا فجاجا ينقلب عليم قدير منكم ناصية كاذبة ठीक है तो नून साकिन और तनवीन हालत सब के साथ एक एक मिसाल नूनसाकिन के बाद हरफ अकफा की है और दूसरी मिसाल तनवीन के बाद हरफ अकफा की है ठीक है तो अब जो है वो नैक्स्ट टाइम सबक पूरा सुनाना है गुन्ना और इदगाम इकलाब इखफा ये चार हैं सिर्फ़ ठीक है तो इनके हरूफ़ कौन कौन से हैं ये भी साथ याद रखें जी आदब्लिमिनशन बसमलर रहीम सूरतलखलास जिसे कुल्ल अहद, और इस सूरत का दूसरा नाम सूरत तोहहीद भी है इसे सूरतलखलास कहा जाता है और सूरत तोहैद भी कहा जाता है रसूल अक्रम सम से मशरक़ी मक् ने, ने सवाल किया अः के रसूल आप अय महमदली आप हमें अपने रब का नसब नामा बयान कीजिए क्योंकि हम जिन बुतों की इबादत करते हैं हम उनके बारे में जानते हैं कि वो फलाँ बुज़ुर्ग फलाँ का बेटा है फलाँ का पोता है और उसके सारे नसल को हम जानते हैं लेकिन आप जिस रब की बात करते हैं उसके बारे में हमें ज़रा बताइए क्योंकि किसी का तारफ़ करवाने के लिए आदमी कहता है ये फ़लाँ का बेटा है फलाँ का भाई है फलाँ का बाप है तो फलाँ का खामद है तो इसी तरह ए, उसका तारुफ़ करवाया जाता है आप अपने रब का इस तरह से तारुफ़ करवाएँ तो अल्लाह रब्लम की तरफ़ से फिर ये सूरत नाज़र हुई कुल अहद कुल्अल्लाहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यू कुफुवन अहद इस सूरत को सूरत अखलास कहते हैं यानी इसमें खालिस अल्लाह की तौहीद है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि ये सूरत कुरान मजीद के तीसरे हिस्से के बराबर यानी दस पारों के बराबर है यानी इसको एक मरतबा पढ़ें तो गोया कुरान मजीद के दस पारों की किसी आदमी ने तिलावत कर ली है और रसूल अक्रम मामूल था कि आप हर नमाज के बाद इसकी तिलावत करते और सुबह शाम तीन तीन मरतबा इस सूरत की भी और इसके बाद की जो दो सूरतें हैंविदी कुलआउ बब्बल फलक और कुल कुलआउ बब्लानास इन दोनों सूरतों की भी तलावत करते और रात सोने से पहले भी आप इसकी तलावत किया करते थे और बहुत से फ़दायल इस सूरत के अहदी में मौजूद हैं एक सहाविया रसूल ने कहा था अल्लाह के रसूल मैं इस सूरत से महब्बत करता हूँ आपने फ़रमाया तेरी यह महब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी यानी इस सूरत से महब्बत तो दरअसल क़ुरान मजीद जो है वो सारा का सारा उसमें तीन बड़ी चीज़ें बयान हुई हैं अम्बिया के क़्स और पिछली उम्मतों के वाक़ बयान हुए हैं या फिर अहकाम और मसाइल हैं और तीसरी चीज़ अल्लाह की तोहद है तो यकीनी बात है कि सबसे से अफजल चीज़ अल्लाह की तौहीद है इन तीनों में तो इस सूरत में चूँकि खालिसतन तौहीद है इसलिए इस सूरत को पढ़ने का आजर स्वब ऐसे है गोया कि इंसान ने अल्लाह की सारी तोहद की तिलावत कर ली है अल्लाह की सारी तौहीद को पढ़ ली है और इस सूरत को अगर इंसान सही मानों में समझ ले तो शैतान के धोखे से बच सकता है और शरक की गंदगी से इंसान अपने आप अपने आप को बचा सकता है तो ये बुनियाद है अल्लाह रब्लमीन की तोहद को समझने के लिए सूरत इखलास हम इसका पहले जो है वो तर्जुमा देखते हैं फिर इसकी इनशाला तलावत करेंगे जी कुल ये पहले हम पढ़ चुके हैं कुल का माना क्या होता है कह दीजिए फरमाइए आप कहिए ठीक है हुआ जी हुआ का होता है ही यानी वो ठीक और अल्लाह ठीक है आहद अहद अकेला या एक ठीक है कुल हु फरमा दीजिए ए मोहम्मद सल्लाम आ फरमा दीजिए हुआ वो, वो यानी जिसके बारे में तुम पूछते हो मुशिकीन मक्का से खिताब है कि तुम जिसके बारे में पूछते हो वो वो कौन है वो अल्लाह है अकेला कुल फरमा दीजिए अहद जो अकेला है अल्लाहु अस्समद अल्लाहु समद समद का माना बेनियाज ये हम अपनी ज़ुबान में तर्जमा यही करते हैं समद समद का मान असल में होता है कि जिसकी तरफ मदद के लिए हाथ फैलाए जाएं जिसकी तरफ रुजू किया जाए किसी भी मुसीबत के वक़्त किसी की किसी भी परेशानी के वक़्त या कोई भी ज़रूरत पूरी करने करवाने के लिए उससे मांगा जाए तो वो समद होता है ठीक है तो इसके अल्लाह रब्लम की ये जो सिफ़त है समध ये किसी और में नहीं है अल्लाह के अलावा किसी और में ये सिफत नहीं है इसलिए कि कोई ऐसा नहीं है जो हर किसी की हर ज़रूरत को पूरा कर सके इसीलिए लिए के मशरक होने की जो उसके ग़लत होने की एक बहुत बड़ी दलील ये होती है कि उसने अपने जो मबूद बनाए होते हैं तो किसी से वो रिज़क मांगता है किसी से औलाद मांगता है किसी से अपनी मुश्किलें हल करवाते करवाने की कोशिश करता है यानी उसके जहन में ये बात होती है कि ये फ़लाँ जो है ये आस्थाना या ये बुत या क़बर या पत्थर या जो भी है ये औलाद दे सकता है और फिर उसको जब पता चले कि ये अगर मेरी कोई मुसीबत कोई परेशानी है तो फिर वो किसी और की तरफ़ जाता है कि वो फलां आस्ताना वहाँ जाएँ तो वहाँ से परेशानियाँ दूर होती अगर रिजक में बरकत नहीं होती तो फिर किसी और के पास जाएँ तो ये एक बहुत बड़ी दलील है कि वो जिन जिन के पास जा रहा है उनको वो समद नहीं जानता तो मबूद सिर्फ वही हो सकता है जो समद हो यानी जो हर किसी की हर जरूरत को पूरा कर सकता हो और दूसरा इस इसी माने में आता है कि वो कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो किसी से कोई ज़रूरत उसकी वाबस्ता ना हो अब अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जाए जिस किसी को भी वो कोई ऐसा नहीं अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं कि जो किसी का मोहताज ना हो इंसान अल्लाह आलमीन का मोहताज तो है ही इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों का मोहताज होता है तो इसका मतलब है कि इंसान तो मबूद नहीं हो सकता वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो और इंसान के अलावा पत्थर हैं दरख्त हैं या दूसरी जो मखलूक़त हैं जन्ात हैं अल्लाह के फरिश्ते हैं या कोई भी है हर मखलूक़ वो मोहताज है अपने बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए तो जो मोहताज हो वो मबूद नहीं हो सकता तो ये गोया कि क्राइटेरिया है मबूद होने के लिए अल्लाह की ये जितनी सफा इस सूरत में बयान हुई हैं ये वो सफ़ात हैं जो यूनिक हैं यानी जो उसके अलावा किसी में नहीं पाई जाती कुछ ऐसे कलमात हैं जो अल्लाह के अलावा मखलूक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं मसलन अल्लाह रब्लम सुनते हैं और इंसान कहता है मैं भी सुनता हूँ अल्लाह रब्लमी देखते हैं इंसान कहता है मैं भी देखता हूँ अल्लाह रब्लम का इलम है इंसान कहता है मेरे पास भी इलम है लेकिन इस सूरत में इस सूरत को सूरत लखलास कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह की जितनी सिफतें बयान हुई हैं कोई सिफत ऐसी नहीं जो अल्लाह के अलावा किसी और में पाई जाती हो यानी मुमकिन ही नहीं इसलिए इसको सूरत लखलास कहते हैं ख़ालस अल्लाह की तोहद तो जिसमें यह सारी सिफतें होंगी वो असल में इबादत के लायक हो सकता है वो ज़रूरतें पूरी कर सकता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता तो अल्लाह समद Allah समद है यानी बेनियाज है यानी उसको किसी की जरूरत नहीं और सब उसके जरूरतमंद है आगे हैं अल्लाह की सिफत लम यिद लम का माना क्या होता है नहीं लम का माना होता है नहीं जी माजी के लिए यद यलिद का माना उसने जना वलद वलद से है ना जैसे हम अपनी जुबान में उर्दू में भी कहते हैं किसी का नाम अब्दुल्ला वल्द अब्दुलरहमान तो वल्द तो असमें उर्दू जुबान में हम वल्द कहते हैं असल लफद वलद है वलद तो वलद का माना होता है औलाद या बेटा ठीक है बेटा भी होता है और वलद का माना औलाद भी है तो उसी से है या लध यानी औलाद जनना लम या लद उसकी कोई औलाद नहीं यानी उसने किसी को नहीं जना ठीक है अब ये कलमा जो है वो अरबी ज़ुबान समझने वालों के लिए एक एक माना रखता है अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहते कि उसकी औलाद नहीं है ठीक है तो शायद किसी के जहन में ये किसी मुशरिक के जहन में ये आता कि उसकी औलाद है नहीं लेकिन किसी को उसने अपना बेटा या बेटी बना लिया है या कोई ऐसे हो सकता है कि उसकी औलाद तो नहीं है लेकिन उसमें से कुछ निकला है तो लम या लिद का जो कलमा है इसका माना दरअसल यह है कि उससे कुछ नहीं निकला तो लिहाजा इसी कलमे से नफ़ी हो जाती है तमाम किस्म के शिर की कि अल्लाह से क्योंकि लोग शर्क की तरफ उस वक़्त जाते हैं जब ये समझते हैं कि अल्लाह से कुछ निकला है अल्लाह का नूर जैसे बाज़ जो है नाम नहाद मुसलमान अपने आप को कहते हैं कि जी रसूल वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर हैं इसका क्या मतलब है वो कहते हैं अल्लाह का नूर जो है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर है अल्लाह का नूर जो है उस नूर में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ये कुरान मजीद की शायद के ख़िलाफ़ है ये शिरक है अल्लाह से कुछ नहीं निकला ये अल्लाह कि और ये सिफत भी यूनिक है इंसान हो या कोई और मखलूक हो इंसान या कोई और मखलूक कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें से कुछ नहीं निकला ठीक है और इसी तरह अगली सिफ़त है वम यू लध वाह कमाना और लम कमाना नहीं यू लध और यू लद यलिद का माना उसने किसी को जना और यू वो जना गया यानी वो किसी का बेटा नहीं वो पैदा नहीं किया गया उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है वो खुद खालक है इसीलिए अल्लाह अल्लाब आलमिन की जितनी सिफात हैं उसकी अपनी है इंसान की इंसान के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं जितनी भी सिफात हैं वो अल्लाह की दी हुई हैं इलम है सुनना है देखना है जानना है महसूस करना है जो कुछ भी है इंसान के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ लेकिन है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात हैं वो किसी की दी हुई नहीं है वो उसकी अपनी है उसकी जाती हैं तो लम यूलद उसको जना नहीं गया यानी कोई उसको पैदा करने वाला नहीं है और ये भी सिफत है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और में नहीं पाई जाती इसलिए कि अल्लाह के अलावा बाकी सब मखलूक बाकी सब कुछ मखलूक बाकी सब हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह खालक शई अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक, कोई चीज़ जो आपके सामने है जो आपकी नज़र में या आपके तस्वुर में जो आ सकती है हर उस चीज़ का खाल अल्लाह है तो वो खुद मखलूक नहीं है वो खाल है आगे व लम वा का माना और लम का माना नहीं यकुन यकुन का माना क्या होगा यहां इसका माना करेंगे है लम यकुन नहीं है और नहीं है लहू ला का माना क्या होता है फो या वास्ते हु उसके लहू उसके लिए यानी उसका वलम यकुल्लहू और नहीं है उसका कुफवन कोफुवन कुफ का माना होता है जो बराबर का हो उसके इक्वल उसके बराबर का हो उसके बराबर का नहीं है अहद का माना कोई भी जैसे यहां था ना अल्लाह अहद अल्लाह अकेला है एक है तो इसी तरह अहद कोई भी ठीक है तो उसके बराबर का भी कोई नहीं तो दरअसल गोया के सारे ताल्लुक़ कट गए किसी किस्म का मखलूक के साथ उसका इस तरह का रिलेशन या ताल्लुक नहीं है कि वो किसी से पैदा हुआ हो या उसमें से कुछ पैदा हुआ हो या उसके बराबर का कोई हो और इंसान या कोई भी मखलूक है तो उसके यही एक लेवल हो सकते हैं जैसे मसला इंसान है वो या तो वो किसी से पैदा हुआ है यानी उसका कोई बाप है और इसी तरह आगे उसकी औलाद है उसमें से कुछ पैदा हुआ है उसकी अपनी औलाद है या उसके बराबर क्या है बराबर का क्या है उसके भाई हैं या बहने हैं या कज़न हैं या जो भी है या इस तरह उसकी बीवी उसके बराबर की है बीवी के लिए खावन तो बराबर का है तो अल्लाह आलमीन के लिए कुछ भी नहीं है ना उसका बाप ना उसकी औलाद ना उसकी बीवी ना उसके, उसके बहन भाई वो अकेला है वलम यकुल लहू वलम और नहीं यकुन है लहू उसका कोफ़ून हम सर उसको कहते हैं उर्दू ज़ुबान में यानी बराबर का अहद कोई भी कुफु का माना असल में होता है कि जो किसी के साथ बराबर हो यानी इलम में बराबर हो या उम्र में बराबर हो या रिश्ते में बराबर हो रसूल अक्रम अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी की शादी करनी हो तो कुफ़ देखो यानी उसका कुफु देखना चाहिए अब कुफु का माना होता है बराबर का यानी अगर किसी आपने किसी ने अपनी बच्ची की शादी बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए कुफु देखे मतलब ऐसा ए, लड़का देखे कि जो जिसकी उम्र करीब हो जिसका इलम उसके करीब करीब हो जिसकी सोच उसके करीब करीब हो यानी जो आप और ये एक बहुत बड़ी हकमत है हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी ख़राबी जो रिश्तों के नाकामी की वो ये है कि कुफ़ नहीं किया जाता लड़का जब शादी करता है वालदे लड़के की शादी करें या लड़की की शादी करें तो शादी के वक्त वो कुफ़ नहीं देखते ये बहुत बड़ी ख़राबी है रसूल अक्रमल्म का फरमान है कि जब तुम्हें कुफ़ मिल जाए और ऐसा शख्स मिल जाए कि जिसके दीन और अखलाक़ से तुम मतमिन हो तो फिर तुम अपने बेटे बेटी की शादी कर दिया करो वरना ज़मीन में बहुत बड़ा फसाद होगा और हम देखते हैं कि वाक़ा फसाद है बहरहाल कुफु कमाना है बराबर ठीक है वलम यकुल्लहू कुफ वन अहद और उसके बराबर का कोई नहीं कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह अहद अल्लाह अकेला है समद, अल्लाह है, लम यलिद है नहीं जना वलम यूलद और वो नहीं जना गया वलम यकुन और नहीं है लहू उसका कुफुवन हमसर अहद कोई भी तो यकुन ये तो खाना से ना। जी यकुन खाना से है कुफुफ जी जी कुफुवन या कुफुफ कुफुफ तो जी जी आखिर में वाव है वाव के ऊपर तनवीन कुफु 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 नहीं नहीं फा डबल नहीं है फा के बाद वाव है कुफु कुफु वाव वाव कुफु जी चले जी इसकी तिलावत करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद जी हुवल्लाहु ये हा है और ये हमजा है दोनों को सेपरेट करना कुल हुवल्लाहु अहद उ अहद नहीं है قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد, لم يلد ولم, يولد. ولم يكن له كفوا احد जी वालमय यकुल्लाहु लाम को लंबा नहीं करना वलमयुल्लाहू नहीं कहना वालमयकुल्लू लहू कुफु यकुल्लाहू ठीक है तो ये वाज होना चाहिए कोफ़ून अहद जी ये ध्यान रखना है इसका यहाँ हमज़ा की आवाज़ ना बने क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं कुफु अन अहद कह देते हैं कुफु अन नहीं कुफु वन अहद वन जी जी यही पूछने लगा था यकुल्ला ठीक है ये ये है इदगाम बिलागन्ना बिदौन गुन्ना ठीक है और कुफु वन अहद यहाँ क्या है इधार तनवीन के बाद हमजा है कुफु वन वाह के ऊपर तनवीन है उसके बाद हमजा है तो यहाँ गुना नहीं करेंगे इजहार करेंगे कुफु वन अहद और वलम यकुल्लहू यहां हमने काफ को लाम के साथ ज्वाइन किया है वलम यकुल्लहू नून साकिन के बाद लाम आया है तो यहाँ इदग़ाम बिदून गुन्ना यानी काफ को लाम के साथ मिला के पड़ा है। जी ठीक है जी अब आइए अमत इसम हमने पिछले सबको में पढ़ा था इसम की आलामत जी What comes at the beginning and what at the end? There's no particular order. This is the order. Yeah. Nay, no, this order. No, is an order. Uh, which yeah? one? Which which one comes in the beginning? Yeah. Ya yeah. and al. al. Okay. Where does tanwin come at the beginning or at the end? Uh, Tanwin's at, uh, okay. at the end. End, okay. Yes. end. Okay.

एट द एंड यस ठीक है कसरा भी एंड में जी तो चले तो 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 ठीक है तो शुरू में अल हो शुरू में या हो आखिर में कसरा हो आखिर में तनवीन हो आखिर में मरबूता हो ये पांच हो गए अलम अच्छा कहें उसको आलम कहते हैं यानी किसी का खास नाम हो ये छह ही थी अच्छा ये तो आसान है वो हैं और भी वैसे लेकिन वो आसान आसान बताइए जो आप जिनको आप पहचान सकते हैं ठीक है वो जो दूसरे अल्फाज थे ला कमाना जी और लन कमाना हर हरगिज़ नहीं यानी फ्यूचर के लिए वो फ्यूचर के लम कमाना फोल्डर फिर खुल गए जी जी लईसा कम आना लईसाई अहमद लईसा हाँ लईसा कमाना नहीं, आ, लैसा का माना नहीं। ठीक है जी खालिद भाई माँ का माना माँ माँ ठीक है नहीं ठीक है चलिए मान लेते हैं एक माना इसका नहीं भी है जी इसका ये सवाल भी होता है इसका माना वर्थ भी है माँ का माना नहीं भी है ठीक है और जी कल्ला हरगिज़ नहीं और एक और भी इसका ख़बरदार ठीक है ना यानी तंबी करने के लिए इल्ला एक्सेप्ट मगर ठीक है और गैर एक्सेप्ट या ना मगर ना ठीक है दून सिवाय जैसे कहते हैं इदगाम बिदून गुन्ना यानी बगैर गुन्ना के नाम ये तो आसान है <स्वाँग> जी <स्वाँग> नाम जी 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 <स्वाँग> बला। दस बला मीन बलास इन डीट या क्यों नहीं जी चले ठीक है ये तो आसान था बिल्कुल चले आज का हमारा जो है वो है ये इसम की अलामत थी तो इसम की अलामत का मतलब क्या होता है कि जिसमें ये निशानियां पाई जाएंगी वो इसम होगा वो फेल नहीं हो सकता वो हर्फ नहीं हो सकता ठीक है उसको हर्फ नहीं कहेंगे उसको फेल क्योंकि कलमा की हमने तीन किस्में पढ़ी थी इसम फेल और हर्फ ठीक है तो जिसमें ये ये छः निशानियाँ जिसमें हों या छः में से कोई एक या दो हों तो उसको क्या कहेंगे ये इसम है ये हर्फ नहीं है ये फेल नहीं इसी तरह फेल की कुछ अलामत हैं ठीक है थीके? फेल वो होता है जिसके शुरू में कद आता है ये पेपर वैसे आपको मिल जाएगा अगर लिखना चाहें तो आप पहले देख लें कद पहली अलामत यह है शुरू में कद ठीक है जैसे कद खालत ठीक है कद खालत तो अब इसको क्या कहेंगे ये है फेल क्या निशानी है फ़ेल की कि इससे पहले कद आया है तो फ़ेल से पहले कद आता है हमेशा नहीं यानी एक अलामत उसकी ये है तो इसका माना क्या हुआ कि जो अलामत फ़ेल की है वो इसम या हरफ़ की नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कद ख़लत खलत जो है ये इसम नहीं है जिस जिस कलमे को आप देखें कि उससे पहले कद आया है तो क़द के बाद हमेशा फ़ेल होगा क़द के बाद हरफ नहीं होगा कद के बाद इसम नहीं होगा कद के बाद जो होगा वो फ़ेल होगा ठीक है अच्छा इसी तरह एक अलामत इसकी है सा सीन के ऊपर फतहा सा सा जो है इसके बाद जो आएगा वो फेल होगा वो हरफ या इसम नहीं होगा जैसे सा या अलामू ठीक है तो सा के बाद क्या है या अलामू तो यामू या क्या है फेल अलामत इसके फेल होने की ये कि इससे पहले सीन है शुरू में सीन है तो सा सीन जो है इसके बाद फेल होता है इसी तरह सऊफा सोफा के बाद भी फेल होता है सोफ़ा के बाद इसम या हर्फ नहीं होता ठीक है जैसे सूरह तकासुर में अलहाकुम तकासुर में है कल्ला सऊफा तालमून ठीक है कौन सा जी सा के साथ।, साथ मैंने नहीं कोई पढ़ा कोई अरबी जबान में कोई इस तरह लफ्ज़ लफज आ नहीं वो है ही नहीं आ, जी वो या तो ये कि माना तब्दील हो जाता है या फिर वो कलमा ही नया बन जाता है इसका माना ही कोई नहीं होता जी तो सऊफ़ा तालामून तो तालामून ये क्या होगा फेल।, फेल इसके फेल होने की अलामत यह है कि इसके शुरू में सऊफ़ा है ठीक है अच्छा और फिर इसके बाद अलामत है कि या ता हमजा यानी फते हो या दम्मा नून। और नून ये चार अलामतें हैं नून के ऊपर फता भी हो नून जनरल रखें ठीक है तो या ता, अलिफ, नून ये जिस कलमे के शुरू में ये आ जाए वो फेल होता है वो हर्फ नहीं जैसे देखें यहाँ है सा और उसके बाद क्या है या अलामू तो यहां दो अलामतें हमारे पास हैं फेल की एक सीन और दूसरा या और यहां सऊफा तालामू ठीक है और जैसे हमने वो ए, किया था ई का ना व ई का नीन आऊदू आउदू में क्या है हमजा तो आऊदू इसको क्या कहेंगे आऊदू फेल है या हरफ है या इसम फेल है क्योंकि इसके शुरू में आ हमजा आया है ठीक है इसी तरह ना नाअबूद इसको क्या कहेंगे फेल क्योंकि शुरू में नून आया है नस्त इसको क्या कहेंगे फेल क्योंकि शुरू में नून आया है तो या ता हमज़ा नून इनमें से कोई एक आ जाए तो वो फेल होता है ठीक है ये तो अलामत हैं ये सारी अलामत हैं शुरू की कद साउा या ता, अलिफ या हमजा और नून ठीक है इस तरह आखिर की अलामत जो हैं जिस कलमे के आखिर में ये हो ता ती तू या ता साकिन तो वो भी फ़ेल होता है ठीक है ये वाली ता इसम की अलामतों में कौन सी ता थी मरबूता यानी गोल ता जो होती है तो इसम के आखिर में गोल ता होती है फ़ेल के आखिर में ये लंबी ता होती है ठीक है जैसे देखें क़द खलत ठीक है तो इसमें भी फ़ेल की दो अलामतें हो गई एक शुरू में अलामत है कद और दूसरी अलामत होगी कि आखिर में ता आ गया ठीक है थीके? तो ये आखिर की अलामतें हम इनको देखते हैं आखिर में ठीक है जैसे सूरतुल्फात में पढ़ते हैं सरातना अनअमता ठीक है अनअमता यहां आखिर में ता है तो अनअमता ता जिसके आखिर में आएगा वो फेल होगा ठीक है इसी तरह ती ये कुरान मजीद में ही है मिसाल कलमा है नहीं यहाँ इस अलिफ को नहीं ये ये जो यहाँ अलिफ ये इसके रामत नहीं है फेल होने की ठीक है यहाँ वाली देखते हैं जी है, जबर जबर ज़ेर है। हाँ जेर नहीं उनमें होती उन पे या ज़बर होती है या पेश यानी या फ़ा होता है या दम्मा फ़ा या दम्मा ठीक है तो फते या दमा उनमें होता है तो ये भी एक अलामत है कि ये याद रखें अगर शुरू में हमज़ा आया है और उसमें उसके नीचे कसरा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इसम होगा फिर वो फेल नहीं हो या वो हरफ होगा या फिर इसम होगा वो फेल नहीं हो सकता फेल वो होता है जिसके शुरू में हमज़ा के ऊपर फतः या दमा हो ठीक है और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो हो ये एक है उसके अलावा तो आप और भी अलामतें देख सकते हैं जी अन आमता यहाँ ता के ऊपर फतेह है कुंती यहाँ ता के नीचे कसरा है ठीक है और खलाकु ठीक है ना वो आयत है जिन्ना वल इंस इल्ला अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया खला मैंने पैदा किया ता का माना होता है तू यानी मर्द के लिए मेल के लिए अनता तू ने नाम किया और ती होता है मुन्स के लिए तू मुनस के लिए ये कुंती ये सूरा यूसुफ में है कि वो अजीज़ मिसर ने वो उससे जिस औरत ने अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी तो उससे कहा इन न की कुती मिनल ख़ातन यकीनन तू ही गुनाहगारों में से है तू बदकारों में से है ठीक है तो कंती तो खलक तू तू का माना है मैं तो ता का माना तू यानी मर्द और ती यानी तू औरत और तू मैं मैं मर्द मर्द भी कह सकता अपने लिए औरत भी कह सकती है मेल फीमेल दोनों के लिए और ता साकिन ये आता है वो यानी वो औरत जी हाँ जी ये, ये सब पास की सब अलामतें पास्ट की हैं जी जैसे सामियात सामियात का सामिया का माना होता है सुनना तो सामिया आत माना उस औरत ने सुना ठीक है तो आखिर में साकिन है तो ये अलामत है फेल होने की ठीक है जी? ये, में होते हैं बट में। ये, ये वाली नहीं ये सिर्फ औरत के लिए सिर्फ औरत तो जी, जज़ाकिल्ला हो, किला कैसे तो, तो यही ये, ये तो रूल है यही तो रूल है का का मर्द के के लिए लिए। और की औरत तो आवाज तो सही आनी चाहिए ना कल्ला और किल्ला में फर्क नहीं है वो बोलने वाले की मर्जी है वो साफ कहे या ना कहे तो साफ कहे तो फिर ये है जी ठीक है ना जैसे अन अमता इसको अगर कोई अन ती पढ़े तो फिर आपको पता चलेगा या नहीं तो अन आमता वो साफ पढ़े ती तो पढ़ने वाले क्या है कि जिस तो ये अलामत कितनी हो गई एक है कद ठीक है दूसरी है सा तीसरी है सऊफ़ा नंबर चार ये चार हरूफ या ता आ ना या यू तू उ नू, ये चार जो हैं ये किसी के शुरू में हों और नंबर पाँच ये हैं ठीक है तो पहली चार जो हैं ये है शुरू की यानी किसी के कलमे के शुरू में जिस कलमे के शुरू में इनमें से कोई आए तो वो फेल होगा और ये ये जो अलामत है ये आखिर की है ये आखिर में होगी ठीक है तो ये बड़ी बड़ी चंदतें इसके अलावा और भी अलामत हैं लेकिन मेन तो अब इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे किस किस को पता चलता है इसम कौन सा और फेल कौन सा इंशाल्लाह ठीक है या ये है कि प्रैक्टिस के लिए वैसे कोई सूरत मुंतखब कर लेनी चाहिए ठीक है तो कल वैसे जुमा है सूरह कहफ तो हर किसी ने पढ़नी है इन तो सूरह कहफ की जो पहली दस आयात हैं जो पहली दस आयात हैं उनमें से आपने देख के लाना है लिस्ट बनानी है सब ने कि इसम कौन कौन से हैं और फेल कौन कौन से हैं पहली दस आयात में से ठीक है पहली जो दस आयात हैं जी वो उससे भी सेफ रहेंगे और शर्फनाफ भी आपको आ जाएगी तो ये आप लिस्ट बनाए यानी इस तरह बनाएंगे कि इस तरह आपने जो है आप नोटबुक के ऊपर एक लिस्ट बना लें एक के ऊपर लिखें इसम और दूसरे में लिखें फेल ठीक है तो इसम और फेल हम पहली आयत मैं कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ठीक है मसलन पहली आयत है अल हमदु अल हमदु ये किस में आएगा इसम, इसम में क्या लामत है इसम की अल, अल शुरू में है ठीक है तो ये अल आ गया अल हमदु ठीक है तो ये इस कैटेगरी कैटेगरी में आ जाएगा अल हमदु लिल्लाही जी इसम यहां इसम की अलामत क्या है जी जी जी, जी आखिर में कसरा ठीक है तो लाही तो आखिर में ला जो है वो ला को निकाल दें ही असल में है ठीक है तो या इकट्ठा अगर किसी को नहीं समझ में आते तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं लाही इस कैटेगरी में आएगा अल्हमद ला दि ला लि अल्ला दी को छोड़ दें क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा लेकिन असल में उसको भी देख सकते हैं कि शुरू में अल है ये अगरचि अल और तरह का है लेकिन उसको आप इसमें शामिल कर है वो इसमें अनजाला हाँ चले यहां इसको शामिल कर लें फेल में है वैसे फेल ही लेकिन वो जो अलामत बताई है वो इस तरह की नहीं है वो वो जो था अपने ये जी जी ठीक है ये है फेल ही आला अच्छा ऐसे करें ना कि तीसरी लिस्ट एक हर्फ की भी बना लें जो दोनों कैटेगरीज में से किसी में ना आए वो हर्फ होगा ठीक है ना जिसमें ये अलामतें आपको नजर ना आए ना उसमें आला जो है इसमें कौन सी अलामत है ना इसम की कोई अलामत नजर आती है ना फेल की आती है तो फिर क्या होगा हर्फ ठीक है तो तीसरी जो कैटेगरी है वो हर्फ की बना लें आला अलहमदुल्लादी आला आगे क्या है आबदी क्या इसे है इसम की कसरा ठीक है आबदी और आगे ही उसके नीचे भी कसरा है वो भी इसम है आबदी ही अलहमदिल्लादी अनस आला आबदी ही आगे अल किताब इस कौन सा इसम के जी, में आलम में आता है ना। जी जी तो, तो कौन किताब वो तो किताब एक नाम जो होता है वो एक नाम नहीं है ऐसे इंसान किसी का नाम इंसान तो नहीं होता ना वो तो एक जिन्स का नाम है ना तो अलम से मुराद है जो एक एक खास नाम यूनिक जो नेम होता है ठीक है ना किताब मसलन जिस किताब का या तो नाम ले ना जैसे सही बुखारी वो वो आलम है सही मुस्लिम वो आलम है ठीक है क़ुरान मजीद आलम है किताब एक जनरल है वो वो सिर्फ इसम है ठीक है ना उसको नहीं नहीं ये यहाँ अलामत इसम होने की क्या है अल, अल।, अल। यहाँ अलामत अल है यहाँ आलम वाली नहीं है यहाँ हम इसको अगर मसलन अल इसमें ना हो अगर सिर्फ ये है किताब इसको तो क्या कहेंगे इसको आप आल, आल, इसलिए आलम नहीं है आल इसलिए कि किताब किसी का नाम तो नहीं है ना किसी चीज़ का, तो नाम, किसी चीज़ का नाम है एक ख़ास नाम नहीं है आलम का मतलब है जो एक खास किसी का नाम हो ठीक है ना जो कि नाम होता है वो ठीक है ना जी अल किताब यह इसमें आएगा किताब आगे है वाह हर्फ।, हर्फ है ठीक है वाह इसमें आ जाएगा वाह आगे है लम, लम यज अल जी यज अल लम हर्फ है ठीक है लम जो है ये हर्फ है और यज अल क्या है फेल, फेल। क्या लामत ला। है इसमें या शुरू में आया है ठीक है जी वलम आगे लाहू लहू ये असल में दो अलग-अलग अली हाँ ला जो है वो हर्फ है क्योंकि हम पहले ही को यहाँ कर चुके हैं इसलिए हु को भी यहाँ ही करें ठीक है ये इसकी अलामत और है वलम यज अलहू आगे है अवा जा पढ़ा जाता है जा। लिखा जाता है एन तनवीन की वजह से इवाजन आखिर में तनवीन है ठीक है इवाजन ठीक है तो ये जी इवाजन का टेड़ कजी जी जी तो ये देखें पहली आयत हो गई है तो इस तरह पहली जो दस आयत हैं यानी वही लना मिन अमरिना रशदा यहाँ तक तो ये नेक्स्ट सबक से पहले जो ना आपने ये लिस्ट बनानी है इनशा इन तीनों चीज़ों की इसम फेल और हर्फ इन में से पहचाने ठीक है जी नहीं नहीं नेक्स्ट थर्सडे जी वो कल का इसलिए मैंने कहा कि कल तिलावत होगी सुरतल्काफ़ की इनशा जी या कौन फेल है ना लहू का माना उसका एक ला है और एक हू है।, वो अलादा अलादा। वो दो है, ला है और हू वो इसम है ठीक अच्छा, है ना हू में इसम की कौन सी अलामत है ये वो अलामत है जो हमने नहीं पढ़ी ठीक है ना लेकिन है वो इसम वो इनशाला आगे इसकी तफसर आएगी जी ठीक है तो ये जो है ना ये होमवर्क जहन में रखें सुरह कहफ़ की पहली दस आयात में से इसम फ़ैल और हर्फ इनकी तलाश करने और इनकी लिस्ट तैयार करनी है अब आखिरी जो बात है वो है ज़खीरा ज़खीराफा कुरानी कुरान वकीबलरी जो है ठीक है तो ये वैसे आप पेपर ले रहे हैं इनके ऊपर सारे लिखे हुए हैं सरेखलाश अच्छा हाँ सुरे वो नहीं दिया ठीक है सराखलास का तर्जमा भी है जी ये हरूफ़ देख लें इन ये हरूफ़ हैं इनका तर्जुमा जो है वो साथ जहन में रखें ताकि आइंदा जो हमने पढ़ने हैं तो उसके साथ साथ इन इसका मान आपके जहन में हो ये शरा इखलास का तर्जुमा जी, जी जी जो इसम और फिल की ठीक है वो वो तो वो जी वो इसम की कि, जी अकेला किताब जो है ना तो वो अकेला किताब जो लफ्ज़ लिखा होगा ना हाँ। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा या किताब बुन उसको पढ़ेंगे या अल किताब पढ़ेंगे ठीक है ना अल हाँ आए तो अल अल आए तो फिर वो अलामत अल उसकी बन जाएगी और अगर अल नहीं होगा तो फिर किताबन बोन फिर तनवीन उसकीत बन जाएगी ठीक है लेकिन वो अलम नहीं है अलम जो इसम की अमामत है वो अलम है हैलम का माना है जो एक पर्सनल नेम जो होता है किताब किसी का पर्सनल नेम नहीं है वो एक जनरल एक चीज़ का नाम है एक चीज़ का नाम है जो किसी चीज़ का नाम है वो अलामत नहीं है इसम होने की हाँ वो आलम इसलिए उसमें बताया था कि आलम जो है वो है अलामत इसम की जी ये जो हैं हरूफ ये देखें बी बी का माना है से या विद ठीक है और का जैसे इसका माना है जैसे या की तरह ठीक है और ली या ला ली या ला दोनों तरह होता है इसका माना होता है वास्ते या लिए फो जैसे अलहमदु लाही तमाम तारीफें अल्लाह के लिए और हमने पढ़ा है सूरह अखलास में वलम यकुल लाहू वहां ला है ठीक है तो ली और ला दोनों का माना है वास्ते ही है और ता ता के ऊपर ता हो और इसके बाद इसम हो तो ता के बाद इसम भी आ सकता है ठीक है तो ये उसका माना होता है कसम का जैसे कहा कहते हैं तल्लाही जैसे अरबी जुबान में कहते हैं वल्लाही वल्लाह का माना अल्लाह की कसम इसी तरह ये भी कहा जाता है तल्लाही अल्लाह की कसम ठीक है तो ता जब इसम के शुरू में हो तो इसका माना कसम का होगा यानी अल्लाह की कसम फी का माना है मे ठीक है इन मा इसका माना है साथ यानी अलॉन्ग विद या विद और आन इसका माना है से या बारे किसी के बारे में या अबाउट किसी चीज़ के बारे में ठीक है और मेन का माना है से या तरफ से और इला का माना है तरफ टूर्स या टू किसी चीज़ की तरफ अला का माना है पार या ऊपर और हत्ता यहाँ तक के